अरे भैया गलत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है जबकि इतना बड़ा वकील कह रहा है। कानून की बात तो समझो नारायण। मुझे कुछ नहीं समझता है, प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए। प्लीज अंकल आप लोग यहां से चले जाइए। नारायण सोचना तो पड़ेगा ही, जाने से काम नहीं चलेगा। हाँ बिजनेस की बात है और बाकायदा एग्रीमेंट हुआ भैया। जी हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ कि प्रवीण कुमार के साथ एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन वो एग्रीमेंट किस हद तक अदा किया गया ये भी मैं जानता हूँ। वो पेपर्स कहाँ हैं, वो पैसा कहाँ गया? बेटे तुम बात को समझ नहीं रहे हो। बात को आप नहीं समझ रहे, आप लोगों ने तो अपने वकील से बात कर ली, लेकिन हमें अपने वकील से बात करना बाकी है। जितने डिटेल्स आप लोगों के पास है उतने ही डिटेल्स हमारे पास भी, और हमें अपने वकील से बात करने दीजिए ना। मैं उन्हें बैंक स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा, लेजर्स दिखाऊंगा, काउंटर फाइल्स दिखाऊंगा, जितने विड्रॉल्स आप लोगों ने किए हैं वो भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। नारायण अपने बेटे से कहो कि केस को ठीक तरह से देख ले, ये केस कांच की तरह बिल्कुल साफ है। और फिर ये वकीलों की बात कर रहा है, वहां प्रवीण कुमार भी वकीलों से मिल रहा है और मुझे तो डर है कि कहीं वो केस ना कर रहे। आप डर से क्यों बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कीजिए। अगर प्रवीण कुमार अदालत जाता है तो ये अच्छी बात है, पेशी होगी, जरह होगी, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रकाश कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ। बदनामी होगी, इज्जत जाएगी वो अलग। मिस्टर शांतिलाल इज्जत की फिक्र वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी इज्जत पर शक होता है। इस शहर में डैड की क्या इज्जत है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अरे ये बच्चा जोश में बात कर रहा है, लेकिन नारायण तुम ये गलती मत करना, प्रवीण कुमार को केस करने का मौका बिल्कुल मत देना। हाँ गलती डैड ने उस दिन की थी जिस दिन मुझे बच्चा समझकर इस बिजनेस टीम में शामिल नहीं किया था, लेकिन आज मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ और उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक लीगल डिपार्टमेंट भी है जिसकी मैं राय लेना चाहता हूँ। और आप लोग डैड और उनकी इज्जत की फिक्र ना करें, उसके लिए मैं और मेरी बहन हम दोनों ही काफी। अरे नारायण मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ यार। हाँ नारायण अब खुले हाथों से सेटलमेंट हो जाता तो ठीक रहता, अब हथकड़ी पहनने का शौक है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए, ये प्रवीण कुमार बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। हाँ अगर आप लोग कुछ और नहीं कहना चाहते तो जा सकते हो। आप फिक्र न करें डैड, बिलीव इन मी। अरे अरे ये मुंह लटकाए क्यों खड़ी हुँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा समझी, हंस के बताओ थोड़ा सा। चलिए।